हम लोग तो हमेशा गांव में जनता का सेवा करते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा जल जंगल जमीन गांव से रहते हैं और लोगों से बहुत प्यार करते हैं। लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। मैया सम्मान योजना ये काफ़ी हिट किया है, जो कि हम लोग का गरीब पिछड़ा क्षेत्र है, गांव गांव में रहते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत सारा चीज़ में दिक्कत होता है। वो चीज़ लोग को 1000 रुपया दे रहा है, लेकिन फिर उसके अलावे दिसंबर से 2500 रुपया दो। हम जनता पर विश्वास करते हैं, जनता का लोगों के साथ में काम किए हैं, हम समाज में रहे हैं, लोगों के जितना दिन हमने जुड़े हैं वो आप जहीं भी जाओगे तो वो जनता बताएंगे। प्रत्याशी अरुण उराव हैं चाहे हम जिगा मुंडा हैं, प्रत्याशी तो यहाँ भले हम लोग होते हैं लेकिन यहाँ का हार जीत का तय जनता करती है। आदिवासी का यही है कि एक ठो आज के दिन लोग जागरूक हो गया है। गाँव के लोग हम अंदर से अंदर गाली कोचा सब जगह चले जाते हैं और पार्टी का प्रत्याशी पता नहीं देखे कोई गांव जाया ऐसा जगह आएगा कि नहीं आएगा। जनता जो निर्णय देगा वही हमको भी मानना पड़ेगा और जनता मिजाज बना लिया है कि हमारा सरकार थी और दोबारा हमारा सरकार जेएमएम का रहेगा, इंडिया गठबंधन का, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री दोबारा बने। पहले चरण के चुनाव के लिए जितने प्रत्याशी हैं अपने अपने इलाके में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर सिसई विधानसभा आए हैं और हमारे साथ जिगा सुशारण होरो जी हैं। जेएमएम से दूसरी बार इस बार टिकट मिला है, यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे दादा से। दादा सबसे पहले तो जोहार। जोहार। आपके इलाके आए हैं दादा और बहुत ग्रामीण इलाका है और आप एकदम गांव में बिहड़ गांव इलाकों में जाकर आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या है जनता का मिजाज, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए जनता का मिजाज, हम लोग तो हमेशा गांव में जनता का सेवा करते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा जल जंगल जमीन गाँव से रहते हैं और लोगों से बहुत प्यार करते हैं। लोग भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप खुद आए हैं देख रहे हैं कि सब हम लोग छोटा छोटा नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, बड़ा मीटिंग भी कर रहे हैं, मिजाज बहुत अच्छा है अभी हम लोग का। चूँकि फिर हम लोग जिस तरह लोकसभा में जीते थे पूरे ट्राइबल सीट, उसी तरह हम लोग बहुत सारा सीट जीतने का यहाँ जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं सिसई विधानसभा। पिछले बार 2019 में बड़े मार्जिन से आपकी जीत हुई थी, लगभग 40-41 हज़ार से आपने लीड ली थी। इस बार बीजेपी के जो प्रत्याशी है अरुण उराव, उनका भी ये चर्चा चल रहा है कि बढ़िया प्रत्याशी दिए हैं, कुछ थोड़ा लग रहा है असर होगा उनका? ऐसा है, हम प्रत्याशी अरुण उराव हैं चाहे हम जिगा मुंडा हैं, प्रत्याशी तो यहाँ भले हम लोग होते हैं लेकिन यहाँ का हार जीत का तय जनता करती है। और हम यहाँ हम जनता पर विश्वास करते हैं, जनता का लोगों के साथ में काम किए हैं, हम समाज में रहे हैं, लोगों के जितना दिन हमने जुड़े हैं वो आप जहीं भी जाओगे तो वो जनता बताएंगे। क्योंकि हम प्रत्याशी चुनाव इसको नहीं निर्णय ले सकते हैं, ये हमारे जनता गांव के रहता जो मेरा वोटर है वो लोग निर्णय करेंगे। दादा उराव बेल्ट है, आइए चलते चलते बात करते हैं, उराव लोग यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं, क्या लग रहा है इस बार जातीय समीकरण, क्या समझ पा रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग को एक चीज़ है वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी का यही है कि एक ठो आज के दिन में लोग जागरूक हो गया है। आप काम करोगे जिसका, अगर आप काम नहीं करोगे तो आज अपने घर में भी लोग प्यार नहीं देता है। आज जनता का सेवा करना और इस जगह में अगर आप प्रत्याशी बनते हो, आप क्षेत्र में जाते हो, मान लिया हम तो इतने दिन इस क्षेत्र में काम किए हैं, समाज में हो, गांव में हो और बहुत सारा चीज़ों में हमने उपस्थित दिए हैं, चाहे बिजली पानी चाहे शिक्षा स्वास्थ्य में जो बन पड़ा हमसे, लेकिन आप जानते हो कि और प्रत्याशी लोग तो पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, चुनाव के टाइम में आए हैं वो लोग फिर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। वही हम कह रहे हैं, आप बहुत बिहड़ इलाकों में नजर आ रहे हैं क्योंकि यह जो गांव है, ये करंजटोली का जो बानटोली है, बहुत ऑन रोड से बहुत अंदर है और उन अंदर के इलाकों में आप नजर आए हैं, इसलिए हमारा ये सवाल है। तो सवाल, चूंकि हम तो आपको शुरू ही बता दिए कि गांव के लोग हम अंदर से अंदर गाली कोचा सब जगह चले जाते हैं और पार्टी का प्रत्याशी पता नहीं देखे कोई गांव जाया ऐसा जगह आएगा कि नहीं आएगा, वही जानेगा और जनता यहां का निर्णय वही देता है जो गांव को गाली कोचा महला में जाता है, लोग से मिलता है, बातचीत करता है, समाज में पार्टिसिपेट करता है, चाहे सामाजिक चाहे हमारा पर्व त्यौहार में सबसे मिल के रहता है, उसी को लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा दादा, एक बात कहा जाता है कि शिष्य विधानसभा में जो विधायक जिस पार्टी का विधायक जीतता है सरकार उसी की बनती है,
क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? पिछली बार आप जीते हेमंदा सरकार में आए, इस बार क्या होगा? अभी तो यहाँ इतने भाई लोग हैं और इतना इंटीरियर में आए, एकदम जंगल के किनारे बीच में आप आए हैं और बहुत सुंदर आप सवाल पूछे, यार पूछना भी आपका हक बनता है और लोगों भी सुन रहे हैं, लोग बाजू में खड़ा है, खुश भी हो रहे हैं ना, खुश भी हो रहे हैं कि यहाँ के लोग अगर हम जीतते हैं और सरकार बनती है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग का काम होगा, क्योंकि अभी बीच में ही हमारा एकदम सरकार हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम लोग काम किए हैं इसलिए हक है और सरकार बनाना चाहता है जनता लोग, क्योंकि आप जानते हैं बीच में 200 यूनिट बिजली फ्री किया है और जितना है बकाया बिजली बिल को माफ कर दिया, उसके अलावे आप जानते हैं कि मैया सम्मान योजना ये काफी हिट किया है, जो कि हम लोग का गरीब पिछड़ा क्षेत्र है, गांव गांव में रहते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत सारा चीज़ में दिक्कत होता है, वो चीज़ लोग को 1000 रुपया दे रहा है लेकिन फिर उसके अलावे दिसंबर से 2500 रुपया दो, तो महिलाओं चाहे गांव में रहने वाला किसान चाहे हमारे लोगों को चाहे वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन भी दे रहा है, तो बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप लोग को भी काफ़ी इसमें सहारा मिल रहा है, सबसे ज़्यादा ये ट्राइबल बेल्ट है और उन लोगों को कभी इसमें माने मजबूती चाहे अच्छा एहसास कर महसूस हो रहा है और हम लोग को लगता है कि पूरे जनता का सपोर्ट है और जनता ही फैसला है और यहाँ का लोग कहता है कि ये मैंने यहाँ सर्वोपरि हम जनता को धन्यवाद देते हैं और जनता जो निर्णय देगा वही हमको भी मानना पड़ेगा और जनता मिजाज बना लिया है कि हमारा सरकार थी और दोबारा हमारा सरकार जेएमएम का रहेगा, इंडिया गठबंधन का, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। चलिए धन्यवाद दादा। 13 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं, पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को है, 27 नवंबर को पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ विधायक बन के आएगा। फिलहाल हम हैं अभी सिरसा विधानसभा में, और इलाके जाएंगे, वहाँ की जनता से बात करेंगे, वहाँ के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।